Hello dear students, how are you? I hope you are all fine. Today we discuss about rational numbers. Class 8th का हम rational numbers करेंगे. पहले हमने first and second sum में क्या किया था? कुछ हमें rational numbers दिए गए थे. उसमें हमने क्या किया था? जो हमारे दोनों sides दी गई थी, left hand side and right hand side, उसमें हमने क्या किया था? Compare करके verify किया था कि left hand side equal to right hand side, ठीक है? उसी के base पे अब हमारा third question है. Verify each of the following means क्या है? हमें कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, उनमें हमें क्या करना है कि वो दोनों, जैसे ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, हमें ये वेरीफाई करने है, ठीक है. इन्होंने बोला है कि 5/7 मल्टीप्लाई 12/13 मल्टीप्लाई 7/18 मीन्स इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है 5/7 मल्टीप्लाई 12/13 मल्टीप्लाई 7/18 मीन्स कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और इन तीनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मीन्स क्या है कि इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा वो एंड इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें मिलता हो क्या है दोनों इक्वल है, ठीक है. हमें ये वेरीफाई करना है. हम ये वेरीफाई कैसे करेंगे? हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे. पहले हम क्या करेंगे, ये हमें डबल साइड दे रखे हैं, फर्स्ट इधर है सेकेंड इधर है, ठीक है. हम पहले एक साइड को उठाते हैं. देखो यहाँ पे कितना दे रखिए लेफ्ट हैंड साइड में 5/7 मल्टीप्लाई 12/13, ठीक है, मल्टीप्लाई 7/18 इधर दे रखा. आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहले हम क्या बताया गया था कि जो भी फ्रैक्शन में हमें मल्टीप्लाई करनी है तो नोमिनेटर की नोमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करनी है. अगर अदरवाइज हमें इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने में हम बाय क्रॉस करके इसको मीन्स डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर सकते हैं. अब देखो इसमें क्या है, 12 5 से कितना होता है 60 एंड 13 7 से कितना होता है 91, ठीक है, इतना क्लियर है. उसके बाद इधर 7/18, ठीक है. हमें क्या करना है कि इन दोनों को सोल्व करना है. अब इसमें देखते हैं हमें क्या दे रखा है, 7 1 7, अब 7 1 7 यहाँ पर 2 बचता है, 7 3 21 से डिवाइड होता है 7 1 7 एंड 7/13 पे जाता है ये, ठीक है. अब ये उधर देखो कितना दे रखा है, 3 पे हम डिवाइड करेंगे इसको, 3 2 6 एंड यहाँ पे कितना था 20 एंड 3 6 18, ठीक है. अब ये इससे भी आगे डिवाइड होता है, 2 3 होता है 6 एंड 2 10 होता है 20. तो इन दोनों की हमें क्या करना है कि इन दोनों को कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिलता है, 10/13 × 3 कितना होता है 39, ठीक है. इतना समझ आया, ये क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड है. अब पहले क्या था यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 60/90 बना जाता है हमारा, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे कितना था, 7/18 यहीं पे था, फिर 7 1 7 7 के 13 पे डिवाइड होता है ये. यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 18 था. पहले हम क्या करते हैं 3 पे डिवाइड कर लेते हैं इसको, फिर यहाँ पे कितना है, अगर यहाँ पे इसी कैलकुलेशन को 3 पे डिवाइड नहीं करना है, सेकेंड में देखो इसमें दे रखा है 16, ये सिर्फ मैं वैसे कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ, 60/91 मल्टीप्लाई 7/18, ठीक है. वो क्लियर नहीं, यहाँ देखो 7 1 7 7 1 7 7 7 3 21, इतना कंफर्म है. उसके बाद यहाँ पे देखो ये 2 पे कर लेते हैं डायरेक्ट, 2 3 6 2 0 इधर, 2 9 18, इतना हो गया. अब क्या है, 3 3 9 एंड 3 10 30, तो हमारा इन दोनों कैलकुलेशन के बाद क्या आता है, वही आता है 10/39. इसको पहले 2 से डिवाइड करो या 3 से डिवाइड करो, इन दोनों के बाद हमारा क्या आता है कैलकुलेशन में, 10/39, इतना कंफर्म है. अब ये क्या थी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड का हमें पता चल गया कैलकुलेशन के बाद हमें कितना मिलता है, 10/39. अब हमारा क्या है राइट हैंड साइड जो इधर है, अब हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व करके देखते हैं. ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है. अब राइट हैंड साइड देखते हैं, उसमें क्या दे रखा है, 5/7 मल्टीप्लाई 12/13 मल्टीप्लाई 7/18, ठीक है. अब क्या करना है कि इन दोनों को यहाँ पे रख दिया 5/7 मल्टीप्लाई, अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 12 और 2 9 18, ठीक है. अब क्या है, 2 3 6 नहीं 3 2 6 3 2 6 एंड 3 3 9,
अब ऊपर क्या बचता है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन यहाँ पे 13 और यहाँ पे कितना है 3, ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 है। अब क्या करना है, ये 3 से डिवाइड किया है, इसमें क्या होगा, इधर ये पहले 2 से किया, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18, उसके बाद यहाँ पे 9 था यहाँ पे 6 था, तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, उसके बाद कैलकुलेशन के बाद हमें शॉर्ट फॉर्म में हो गया ये। अब क्या हुआ यहाँ पे 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 7 2 जा 2 7 जा 14 अपॉन 13 3 जा 39, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे हम, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो इनकी कैलकुलेशन के बाद हमें कितना मिलता है 5 मल्टीप्लाई 2, 5 के नीचे यहाँ इधर 1 है, इधर कितना है 39 एंड 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे कितना है ये 39, ठीक है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी उसका कितना था 10 अपॉन 39, जो हमारा राइट हैंड साइड उसका कितना है 10 अपॉन 39, ये दोनों में है क्या, जब आप ये देखो, जब यहाँ पे भी 5 अपॉन 7 है, यहाँ पे भी 5 अपॉन 7 है, यहाँ पे 12 अपॉन 13 है, यहाँ पे भी 12 अपॉन 13, यहाँ 7 अपॉन 18 है, यहाँ पे भी, जब दोनों साइड नंबर सेम है, सेम साइन है, दोनों में क्या मल्टीप्लाई कर रखी है, तो इन दोनों का आंसर भी तो सेम ही आएगा, तो हमें वेरीफाई करके दिखाना। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, आफ्टर दैट राइट हैंड साइड, एंड उसके बाद क्या है, हैंड्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर कोई भी सम हमें ये दे रखा है कि उन दोनों में, दोनों साइड दे रखी है, गिवन है, उन दोनों को वेरीफाई करना है, तो पहले आप एक साइड निकालोगे लेफ्ट हैंड साइड, आफ्टर दैट यू सॉल्व राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी प्रूव हो चुका है, ये फर्स्ट सम हो गया, अब सेकंड देखते हैं हमें क्या दे रखा है सेकंड में। सेकंड में दे रखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट है नेगेटिव 13 अपॉन 24 मल्टीप्लाई में है नेगेटिव 12 अपॉन 5, इधर कितना है 35 अपॉन 36 और ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और उधर क्या है ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया है नेगेटिव 13 अपॉन 24 नेगेटिव 13 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 5 एंड उधर कितना है 35 अपॉन 36, नंबर सेम है, सिर्फ ब्रैकेट का है कि इन दोनों में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसके साथ किया, इसमें क्या किया पहले इन दोनों को किया फिर इसके साथ किया। अब क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है नेगेटिव 13 अपॉन 24 मल्टीप्लाई नेगेटिव 12 अपॉन 5 एंड 35 अपॉन 36, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, इसको जो भी हमें दिखाई देता है कि हाँ ये डिवाइड होने वाला है, तो पहले हम उसको करते हैं 12 1 जा 12 12 3 जा 36, ठीक है। एंड किसी भी कैलकुलेशन के लिए, चाहे वो डिवाइड है मल्टीप्लाई है, दोनों के लिए टेबल मस्ट चेंज करके, जो भी पहले आप है कैलकुलेशन से पहले, अगर आपको टेबल्स नहीं लर्न है, पहले टेबल्स को लर्न करना, आफ्टर दैट यू कैलकुलेट इट, ओके। जब तक आपको टेबल्स नहीं लर्न होंगी, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, चाहे वो मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, तो इसका क्या पहले क्या करनी है, टेबल्स लर्न करनी है। उसके बाद यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना 36 है, 12 1 जा 12 12 3 जा 36 एंड 5 1 जा 5 5 7 जा 35, ठीक है, इतना समझ आया। अब ये यहाँ पे कितना है 13 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3, ठीक है, हमारा इतना जाता है। अब क्या करना है, जो भी हमें नंबर दे रखे हैं इनको सोल्व करना है, 37 जो कितना होता है 91, इधर कितना नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है तो इधर कितना आ जाएगा हमारा 72, ठीक है। अब अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो क्या करते हैं आप, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उसके बाद इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाता है 91 अपॉन 72। ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, उधर कितना है राइट हैंड साइड, पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंफर्म हो चुका है, अब क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है नेगेटिव 13 अपॉन 24 नेगेटिव 12 अपॉन 5 एंड मल्टीप्लाई 35 अपॉन 36, ठीक है। अब क्या है, पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं 12 1 जा 12 12 2 जा 24,
ये 90 में ये भी 90 में, 90 क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे 90 था ना, ये वाला साइन रह गया इधर, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये 90 था, तो ये दोनों 90 90 पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 90 12/5 था, तो यहाँ पे 90 यहाँ रह गया था, तो ये 90 यहीं पे रहेगा और 90 90 पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनका आंसर पॉजिटिव 91/72 है। उधर कितना है, 90 90 पॉजिटिव है ये, तो 13 13/25 10 एंड मल्टीप्लाई क्या है 35/36, ठीक है। अब हमें इनको करना है, 5 2 10 और 5 7 कितना था 35, तो इनके कैलकुलेशन के बाद हमें कितना आएगा, इधर 37/7 इधर 2 इधर 36, ठीक है। 30 यहाँ पे भी 13 था और यहाँ पे भी 7 था, तो इनका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, इधर 91/36 × 2 है, तो इधर कितना आ जाएगा 72। ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड और ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे दोनों क्या है इक्वल है, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है जो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद फोर्थ सम देख लेते हैं। फोर्थ सम में हमें क्या दे रखा है, फोर्थ सम में हमें कुछ फ्रैक्शन दे रखी है, उनको रेसिप्रोकल में चेंज करना है, मीन्स जो भी उनका है, जैसे 2/5 है तो उसका इनवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, मीन्स जो भी हमें फ्रैक्शन गिवन है वो उसका अपोजिट हो जाता है उसमें, तो इधर दे रखा है। थर्ड एंड फोर्थ आपका फोर्थ सम है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, वो फिफ्थ सम आपका फोर्थ में क्या करना है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें क्या है जैसे इसमें क्या था कि दोनों साइड वेरिफिकेशन था, वेरीफाई करना था, इसमें क्या है फर्स्ट में दे रखा है -23/70 × 18/35 = 18/35, ओके। इधर क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको सोल्व करना है। इसी का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, सेकंड में क्या दे रखा है -38 × -7/19 = -7/19 और इधर क्या करना है फिलिंग द ब्लैंक्स निकालना, ठीक है। अभी क्या करना है, जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं, पहले बताया गया है कि अगर जो हमारा इक्वल है इक्वल टू से हम कोई भी नंबर इधर लेके जाते हैं उधर, तो हमारा साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या है हमें डिवाइड में दे रखा है, इसको चेंज करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पे कितना है 23/17 × 18/35, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, जो भी नंबर उधर है तो उसको हम क्या कर देते हैं अपोजिट उसका उल्टा, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पे क्या है इसके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा डिवाइड में, इनका कन्वर्ट हो जाता है, तो 18 से 18 कैंसिल, 35 तो 35 कैंसिल, तो जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था उसके लिए हमारा क्या बचता है -23/17, तो जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है आंसर क्या होगा इसका 19/23/17, ठीक है। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा 23/17, मीन्स जो नंबर इधर था 19/23/17 वही नंबर सेम एज इट इज वही होगा, जब दोनों नंबर्स मीन्स यहाँ पे भी 2+4 है उधर भी 4+2 है तभी तो दोनों का एडिशन 6 आएगा, तो यही इसमें है कि जब यहाँ पे कितना था 19/23/7 था एंड 18/35 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही आएगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, इसलिए क्या करना है पहले जो हमारा यहाँ पे इसको जो भी फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसके बाद इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद ये कट के सिर्फ बना जाता है, वन को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा ये आ जाता है, ठीक है। अब सेकंड सम दे रखा है, इसमें सेकंड में क्या करना है, इसमें ये क्या है 19/38/1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन मान लो, इधर -7/19, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 19/-7 = यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 7 से 7 कट, 19 से 19 कट, इनके कट के बाद यहाँ पे कितना आ जाता है 1, तो 1 के साथ किसी भी टेबल को करेंगे तो वही आता है जो नंबर था, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है 19/38, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे कितना आएगा 19/38, इट मीन्स आंसर क्या है हमारा 19/38, ठीक है। दोबारा से देखो कैसे किया है, जो भी इक्वल टू के साइड में उधर है उसको हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
इससे आगे क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट फ्रैक्शन दे रखी, उसमें यहाँ पे क्या सिर्फ वन फ्रैक्शन थी, उसमें टू फ्रैक्शन है, तो टू फ्रैक्शन में पहले जो भी उसमें है ब्रैकेट में जो नंबर दे रखा है पहले हमें उनको सॉल्व करना है, उसके बाद उसको इक्वल टू से चेंज करके फिर डिवाइड कर देना, ठीक है। उसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं जिसमें हमें टू टू फ्रैक्शन दे रखी है। थर्ड फिफ्टीन अपॉन सेवन मल्टीप्लाई नेगेटिव ट्वेंटी वन अपॉन टेन मल्टीप्लाई माइनस फाइव अपॉन सिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फिलिंग ऑफ लाइंस है, फिलिंग ऑफ लाइंस के बाद इधर क्या दे रखा है, नेगेटिव ट्वेंटी वन अपॉन टेन मल्टीप्लाई नेगेटिव फाइव अपॉन सिक्स, ठीक है। पहले वाले में क्या था, सिर्फ वन फ्रैक्शन थी, और इसमें क्या है, डबल डबल फ्रैक्शन है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारा ब्रैकेट में दे रखा है उनको सोल्व कर लेते हैं। सेवन वन जा सेवन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आता है यहाँ पे थ्री, एंड फाइव थ्री जा फिफ्टीन एंड फाइव टू जा टेन, तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमें कितना मिला, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन नेगेटिव है बिकॉज ट्वेंटी वन यहाँ पे नेगेटिव है अपॉन टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है, नेगेटिव फाइव अपॉन सिक्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फिलिंग लाइंस, फिलिंग लाइंस यहाँ पे एक्स मान लेते हैं हम, इधर कितना है, इसको सॉल्व करते हैं, थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, ठीक है, फाइव वन जा फाइव एंड फाइव टू जा टेन, समझ आया क्या करना है इसमें। पहले क्या करेंगे, थ्री के साथ डिवाइड करना है, थ्री टू जा सिक्स, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, फिर फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, इनके कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिला है, नेगेटिव है नेगेटिव है दोनों, फिर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, सेवन अपॉन टू टू जा फोर, ठीक है, हमारा कितना है इधर सेवन। इन अब क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको कट करते हैं, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन अपॉन फोर, ठीक। उधर कितना है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके कितना हो जाएगा, फोर अपॉन सेवन, और उधर ये एक्स है जो फिलिंग ऑफ लाइंस वो इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोबारा की क्या किया है, जो यहाँ तक है ये अलग फ्रैक्शन थी, उसके बाद हम नीचे लेके आए हैं, इनको सोल्व करने के बाद थ्री फाइव जा फिफ्टीन अपॉन टू टू जा फोर, जो हमारी उधर फ्रैक्शन थी उनको हमने कन्वर्ट कर दिया, मीन्स सेवन नॉमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर हो जाएगा, इसको कन्वर्ट किया। फिर अब क्या करेंगे, फोर से फोर कैंसिल, हमारा कितना आ जाता है, फिफ्टीन अपॉन सेवन, मीन्स हमारा जो फिलिंग ऑफ लाइंस था वहां पे क्या आ जाएगा, फिफ्टीन अपॉन सेवन, इट मीन्स आंसर हमारा क्या है, फिफ्टीन अपॉन सेवन, और वो कौन सा नंबर था जो हमारा यहाँ पे गिविन नहीं था, मीन्स ट्वेंटी वन अपॉन टेन यहाँ पे है, फाइव अपॉन सिक्स यहाँ पे है, तो हमारा क्या नंबर था, फिफ्टीन अपॉन सेवन था, जो हमारा यहाँ पे नहीं था, तो वो कैसे आता है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद हमारा फिफ्टीन अपॉन सेवन आ जाएगा, इतना समझ आ गया। अब इससे रिगार्डिंग जितने भी सम है, इसका फर्स्ट एक पार्ट रह गया, एंड जो थर्ड सम है उसका भी वन पार्ट रह गया, उसको आप लोग खुद सॉल्व करोगे। उसके बाद जब भी आप वीडियो देखते हो, तो वीडियो देखते टाइम अपने नोटबुक को एंड बुक्स को दोनों को ओपन करके फिर कंप्लीट वीडियो देखनी है, और साथ साथ में सम सॉल्व करने हैं, और जो सम नहीं सॉल्व है इस वीडियो में उसका आप खुद प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई सम नहीं होता है या कंफ्यूजन आता है, तो जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास होती है तो आप उसमें क्वेरी रख सकते हो अपनी। थैंक यू।